हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेज में। मैं अनुप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेज में स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, अभी हम आज एक हरियाणा टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे पहले हमने एक पहला पार्ट भी डाला था हरियाणा जीके का, और भी अन्य जो हमने साइंस के तीनों पार्ट, उसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटिकल, ये सभी हमने पार्ट डाले हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देखना दोस्तों। ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है कि केएमपी का पूर्ण नाम क्या है। केएमपी का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों, यानी पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र मानेसर पानीपत, बी ऑप्शन कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, सी ऑप्शन है कुंडली मानेसर पलवल, डी ऑप्शन है कुंडली मानेसर पटौदी। तो इसका आंसर जल्दी से अपने कमेंट में लिखें। तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कुंडली मानेसर और पलवल, यानी केएमपी है वो कुंडली मानेसर पलवल को आपस में जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 135.6 किलोमीटर लंबाई है। ये अभी स्टेट में पूछा गया एक क्वेश्चन था केएमपी के बारे में। और एक केजीपी होती है दोस्तों, केजीपी कुंडली गाजियाबाद और पलवल, ये जो यूपी से होती हुई जो गाजियाबाद यूपी में है उसको मिलाती है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर, यानी जो अपना केएमपी है वो 135.6 है। पूछ लेता है कौन सा सबसे बड़ा है, तो अपना केएमपी बड़ा है केजीपी से, तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो देखो शारदा देवी का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर एक है रोहतक में, बी है भिवानी में, सी है अम्बाला में, डी है झज्जर में। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा अंबाला। अंबाला में लगता है शारदा देवी जी का मेला लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का वर्णन किया गया है, यानी किस अभिलेख में चौहान राजाओं ने हरियाणा के नगरों का विजित किया है। ऑप्शन नंबर ए है पिहोवा अभिलेख, बी ऑप्शन है बिजोलिया अभिलेख, सी ऑप्शन है लाओस अभिलेख, डी ऑप्शन है सिरसा अभिलेख। तो इस जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख है जिसमें जो चौहानों ने हरियाणा के नगरों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है भाई राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो देखो राजघाट गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है कैथल, बी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सी ऑप्शन है भिवानी, डी ऑप्शन है यमुनानगर। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो जो राजघाट गुरुद्वारा है दोस्तों वो है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में है राजघाट गुरुद्वारा। तो ध्यान रखना इसके बारे में, पूछ लेता है तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भाई केएमपी जो योजना थी वो हरियाणा के किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन है आपके दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक है HSIID, दूसरा है HAFED, तीसरा ऑप्शन है HPGCIL और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका आंसर बताएं कि जो केएमपी योजना वो किसने बनाई थी। सीधा क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर है दोस्तों HSIID, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सी और आता है इसमें। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पंचकुला में, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट सॉरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोस्तों। अगला कि हरियाणा को किस ग्रंथ में बहुधान्यक कहा गया है। किस ग्रंथ में हरियाणा का नाम बहुधान्यक मिला है दोस्तों। ए ऑप्शन है अष्टाध्याय, बी ऑप्शन है मत्स्य पुराण, सी ऑप्शन है महाभारत और डी ऑप्शन है रामायण। तो इसका आंसर बताएं दोस्तों कि बहुधान्यक प्रदेश किस में मिला है।
तो इसका आंसर मिलेगा दोस्तों महाभारत। महाभारत में बहुत अन्य प्रदेश मिला है हरियाणा का नाम। ठीक है दोस्तों, पूछ लेते हैं कई बार महाभारत के बारे में, हम आज पूरी डिटेल बताएंगे आपको कभी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था। नंबर एक ऑप्शन है रानिया, बी ऑप्शन है नारनौल, सी ऑप्शन है डाणीजो और डी ऑप्शन है नसीबपुर। तो इसका आंसर बताएं जल्दी से दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों नसीबपुर। नसीबपुर यानी जो नारनौल में है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है नसीबपुर, और नसीबपुर ही इसका आंसर आपको करना होगा। नारनौल मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिनका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, और जो शहर का नाम भी दे दिया जाता है, तो पूछ लेता है। हाँ, जिला पूछता है तो नारनौल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो राव तुलाराम का जन्म 1825 में हुआ था दोस्तों। रेवाड़ी के ये शासक थे राव तुलाराम जी, और इनका नारनौल में, नारनौल के जो नसीबपुर है जहाँ पर अब नसीबपुर जेल भी है, उसमें वहाँ पर इनका अंग्रेजों के साथ मुकाबला हुआ था। और उसके बाद जब अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इन्होंने अब काबुल में पलायन करना पड़ गया था, यानी उस युद्ध को छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ गया था दोस्तों। और 1863 ईस्वी में इनकी फिर मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। 23 सितंबर को हरियाणा राज्य शहीद दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में कौन सा अभियान शुरू किया था। पानीपत में कौन सा अभियान शुरू किया, ए ऑप्शन है युवा जागरण, बी ऑप्शन है जनजाति जागरण, सी ऑप्शन है सामाजिक समरसता और डी ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका आंसर डी आएगा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया था पानीपत में ही शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और ये फिर पूरे भारत में फैल गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू किया था। अपने हरियाणा की जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए ये शुरू किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में चार नीले और चार लाल धागों की बनाई गई खद्दर से बना बिना कली वाला घाघरा क्या कहलाता है। बड़े क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोबारा रिपीट करें हम दोस्तों। हरियाणा में चार नीले और चार लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली वाला घाघरा क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है धारणा, बी ऑप्शन है खारा, सी ऑप्शन है थारा और डी ऑप्शन है कचारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है बी, बी आंसर है दोस्तों, खारा इसका आंसर आएगा, तो ध्यान रखना। देखो दोस्तों, यदि इस हरियाणा टेस्ट सीरीज में आपके यदि नंबर 20 से कम आ रहे हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है दोस्तों। वैसे 20 नहीं, कम से कम 25 से कम आ रही, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 27, 28, 29 नंबर आने चाहिए, 30 के 30 भी आने चाहिए, क्योंकि जी क्वेश्चन है। यदि हरियाणा जीके में आपके नंबर कटते हैं तो फिर आप शुरू में ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे दोस्तों। बढ़िया तैयारी करो, हरियाणा जीके तो फुल बाई फुल आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु किस योजना की शुरुआत की थी। तो बताओ दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए है अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी पराया धन, पराया धन पराई बेटी, इंदिरा सहेली प्रोजेक्ट। तो बताओ दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, अपनी बेटी अपना धन नामक एक योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधखिला फूल रचना के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, सी ऑप्शन है ठाकुर फेरू और डी ऑप्शन है नेमी चंद। तो इसके आंसर आप जल्दी से बताएं दोस्त। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त ने अधखिला फूल रचना के रचयिता है दोस्तों, उसने रचना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया है।
तो ए ऑप्शन है तेजवीर सिंह, बी ऑप्शन है मेहर सिंह, सी ऑप्शन है मास्टर चंदगीराम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके जो है वो है मास्टर चंदगीराम। मास्टर चंदगीराम है भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले। किस खेल से संबंधित है दोस्तों ये? तो ये कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने कुश्ती में 2 बार, एक तो भारत केसरी व हिंद केसरी खिताबें जीता है। सेम इसी तरह एक और पूछ लेता है दोस्तों, एक वो पूछता है एक तो चंदगीराम और एक पूछता है दोस्तों चांदराम। चांदराम के बारे में भी पूछा जाता है। चांदराम के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, ये पैदल चाल से संबंधित है और इन्होंने पैदल चाल से भी मेडल, कई मेडल जीते हैं पैदल चाल में। पूछ लेता है तो बता देना दोस्तों चांदराम का संबंध पैदल चाल से है। तो ठीक दोस्तों, याद रखने का तरीका तो वही है भाई, जो चांदराम है वो पैदल चल के चांद पर पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है दोस्तों? ए ऑप्शन है करनाल, बी ऑप्शन है गुड़गांव, सी ऑप्शन है पानीपत, डी ऑप्शन है होडल। तो इसके आंसर जल्दी से बताना दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों होडल। होडल में है किशोरी महल। होडल कहाँ पर है? होडल है पलवल में। होडल कहाँ पर है? तो होडल पलवल में है दोस्तों। ये है हरियाणा के पलवल जिले की एक आरक्षित सीट है दोस्तों होडल। तो याद रखना किशोरी महल कहाँ पर है, तो किशोरी महल है हरियाणा के पलवल के किस ये होडल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यूरिया संयंत्र दोस्तों, ए ऑप्शन है सोनीपत, बी ऑप्शन है महेंद्रगढ़, सी ऑप्शन है पानीपत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका आंसर आएगा पानीपत। पानीपत आएगा दोस्तों इसका आंसर। यूरिया संयंत्र हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो वो पानीपत में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखना इसके बारे में पूछ लेता है यूरिया संयंत्र। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है दोस्तों कार्बामाइड। कार्बामाइड CnH2CoNH2 इसका फॉर्मूला होता है। NH2CoNH2 इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। याद रखना इसके बारे में पूछ लेता है तो बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि NDRI की स्थापना कब हुई थी? NDRI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन 1965, डी ऑप्शन 1975। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है 1955। 1955 में NDRI की स्थापना हुई थी। कहाँ पर है दोस्तों ये? तो करनाल में है। करनाल में है दोस्तों NDRI है करनाल में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक बार लाइक ज़रूर करिए अपने इस क्लास को। जल्दी से लाइक का बटन दबा दे। एक बार लाइक बटन दबाने में क्या जाता है दोस्तों, 1 सेकंड लगेगी। लाइक के बटन के ऊपर एक बार क्लिक करें जल्दी से, तभी आपकी क्लास आगे हो पाएगी। कम से कम 100 व्यक्ति देखते हो तो कम से कम 80 का तो लाइक आना चाहिए दोस्तों। लाइक कम करते हो जिससे थोड़ा सा मन हट जाता है, भाई बच्चे लाइक तो करते नहीं है, फिर क्या वीडियो क्लास बनानी। तो जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस लाइक पर एक बार अपना जो लाइक है इस पर एक बार क्लिक कर दे जल्दी से। कर दिया सभी ने फास्ट भाई। तो देखो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, ज्वार के उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? यानी ज्वार उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला है? ए ऑप्शन है पानीपत, बी ऑप्शन है झज्जर, सी ऑप्शन है रोहतक, डी ऑप्शन है भिवानी। तो जल्दी से बताइए भाई, ज्वार सबसे ज़्यादा किस दोष है?
तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, रोहतक में होती है सबसे ज़्यादा ज्वार। कहाँ पर होती है? तो रोहतक में होती है सबसे ज़्यादा ज्वार। अगला क्वेश्चन है भाई, किस मर्दा को डाकर मर्दा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन कई बार नए क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है इनके बारे में। तो बताओ भाई, किस मर्दा को डाकर मर्दा के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है गिरिपादी मर्दा, बी ऑप्शन है हल्की मर्दा, सी ऑप्शन है मध्यम मर्दा, डी ऑप्शन है भारी मर्दा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो भारी मर्दा दोस्तों, भारी मर्दा को क्या कहते हैं? डाकर मर्दा कहते हैं। पूछ जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों, तो बता देना इनका आंसर कि भाई भारी मर्दा को क्या कहते हैं? डाकर मर्दा कहते हैं। और आप अपने चैनल पे यदि नए हो तो अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों, और एक बढ़िया सा जीके कंटेंट के लिए दोस्तों, एक सिलेबस के लिए दोस्तों। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेड़ का संबंध हरियाणा राज्य से है? ए ऑप्शन है सेब का पेड़, बी ऑप्शन है अमरूद का पेड़, सी ऑप्शन है पीपल का पेड़, डी ऑप्शन है नारियल का पेड़। तो जल्दी से बताएं दोस्तों कि कौन सा पेड़ हरियाणा से संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, तो इसका आंसर आएगा पीपल का पेड़। अपना जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है दोस्तों? पीपल का वृक्ष है दोस्तों, याद रखना। बरगद मत कर देना, बरगद क्या है? बरगद अपना राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी पूरे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है, लेकिन अपना राजकीय वृक्ष है वो क्या है दोस्तों? पीपल का वृक्ष है। पूछ लेता, कन्फ्यूजन सब ज्यादा होता है इन दोनों क्वेश्चनों में, तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है भाई, बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से किस नगर को जाना जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएं दोस्तों, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को जाना जाता है? ए ऑप्शन है सोनीपत, बी ऑप्शन है सिरसा, सी ऑप्शन है रोहतक, डी ऑप्शन है भिवानी। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर दोस्तों। तो देखो इसका आंसर दोस्तों भिवानी, भिवानी को कहते हैं बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बॉक्सिंग होती है उस खेल में सबसे ज़्यादा भिवानी से जाते हैं। और इसमें याद रखना दोस्तों, देश में छोटी काशी के नाम से, या देश की छोटी काशी, भारत की छोटी काशी किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। पूछ लेता है कई बार, तो बता देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म का क्या नाम था? यानी जो हरियाणा की पहली फिल्म थी इनमें वो कौन सी थी दोस्तों? ए ऑप्शन है हरफुल सिंह जाडजुलानी, बी ऑप्शन है वीर घटोत्कच, सी ऑप्शन है छेल गल्या जांगी, और डी ऑप्शन है वीरा शेरा भाई। इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हरफुल सिंह जाट जुलानी, हरफुल सिंह जाट जुलानी इसका आंसर है। पूछ लेता कई बार, तो बता देना दोस्तों। हरियाणा में संत संप्रदाय के कौन से काल का स्वर्ण काल माना जाता है? तो भाई हरियाणा के संत संप्रदाय का कौन सा काल हरियाणा का स्वर्ण काल माना जाता है? ए ऑप्शन है 15वीं सदी, बी ऑप्शन है 16वीं सदी, सी ऑप्शन है 17वीं सदी, और डी ऑप्शन है 18वीं सदी। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। संत संप्रदाय का स्वर्ण काल है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, 18वीं सदी है वो संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माने जाते हैं दोस्तों। अगला है भाई, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, ए ऑप्शन है धर्मवीर, बी ऑप्शन है बी एन चक्रवर्ती, सी ऑप्शन है आर एस नरुला, और डी ऑप्शन है धनिक लाल मंडल। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक सिंपल क्वेश्चन है और एक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको बता देता हूँ। एक तो राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह है जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल है। बी एन चक्रवर्ती जो सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे वो थे बी एन चक्रवर्ती। पूछ लेता है कई बार, तो बता देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में नरेगा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा में नरेगा की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 2 फरवरी 2004, बी ऑप्शन है 2 फरवरी 2005, सी ऑप्शन है 2 फरवरी 2006, और डी ऑप्शन है 2 फरवरी 2007। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों।
तो इसका आंसर है दोस्तों 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को हरियाणा में नरेगा की शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले दो जिलों में हुई थी, एक तो भिवानी में और एक महेंद्रगढ़ में नरेगा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों पूछ लेते हैं कई बार, तो बता देना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के झज्जर का नवाब कौन था? 1857 क्रांति में हरियाणा के झज्जर का नवाब कौन था? ए ऑप्शन भाई नवाब अब्दुल रहमान, बी ऑप्शन नाहर सिंह, सी ऑप्शन है सहरुद्दीन, और डी ऑप्शन है बंदा बहादुर। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों नवाब अब्दुल रहमान खान दोस्तों। तो जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नए हो यदि आप इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? ए ऑप्शन झाड़ू फिरी, बी ऑप्शन प्रेम लहर, सी ऑप्शन राजा रतन सेन, और डी ऑप्शन शाही लकड़हारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो हरियाणा का जो पहला उपन्यास था वो था ए ऑप्शन झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी जो उपन्यास था दोस्तों वो राजा राम शास्त्री जी का था, और उनकी जो दूसरी कहानी अगर पूछ लेता है उपन्यास तो वो थे लड़की की कहानी भी उन्हीं की थी दोस्तों। पूछ लेता है हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फ्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई प्रसिद्ध प्रमुख पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है चंद्रप्रदाय, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका चंद्रप्रदाय ने लिखी थी दोस्तों, पृथ्वीराज रासो लिखी दोस्तों। पूछ लेते हैं कई बार तो बता देना दोस्तों। उसके बाद है किस राज्य को गेहूं की कटोरी के नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा जो डी ग्रुप के पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों किस राज्य को भारत की गेहूं की कटोरी कहते हैं। तो वो आंसर अपना हरियाणा आएगा, हरियाणा को कहते हैं भारत की गेहूं की कटोरी। काच बालू हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ए ऑप्शन है आपका गुड़गांव, बी ऑप्शन है महेंद्रगढ़, सी ऑप्शन है रोहतक, डी ऑप्शन है हिसार। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर आया भाई काच बालू पाया जाता है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पाया जाता है दोस्तों काच बालू। तो पूछ लेता है तो बता देना दोस्तों इसके बारे में, गुरुग्राम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी ऑप्शन है हिसार, सी ऑप्शन है गुरुग्राम, और डी ऑप्शन है अम्बाला। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो हिसार आएगा, हिसार सबसे बड़ा। वैसे सबसे बड़ा जो ज़िला है वो सिरसा है दोस्तों, सिरसा है लगभग 4277 किलोमीटर में स्क्वायर में फैला हुआ है ठीक। उस यदि ऑप्शन में नहीं है तो हिसार आ जाएगा। पहले तो कौन सा था, भिवानी था, लेकिन भिवानी से फिर सरखी दादरी अलग हो गया और एक नया ज़िला बनकर अब जो सबसे बड़ा ज़िला है वो सिरसा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा में किसके उत्पादन में तिरव वृद्धि हेतु क्लस्टर प्रसिद्धि को या पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? ए ऑप्शन है फूल, बी ऑप्शन है फल, सी ऑप्शन है सब्जी, और डी ऑप्शन है मसाला। जल्दी से बताएं दोस्तों एक बार, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ भाई, किस उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्लस्टर पद्धति का बढ़ावा दिया जा रहा है? फूल, फल, सब्जी या मसाला भाई? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर आया दोस्तों फल, फल को बढ़ावा देने के लिए इसमें अपने हरियाणा में क्या किया जा रहा है दोस्तों, क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इनको लाइक करना दोस्तों, लाइक किया करो, और एक जो स्टडी ग्रुप है इनमें शेयर करके, यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, एक जीके साइंस और हरियाणा जीके की सिलेबस एंड टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और एक बढ़िया सी जॉब जरूर प्राप्त करिए दोस्तों, लगातार मेहनत करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।